नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, आज हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो साउथ अफ्रीका के लिए आई है। साउथ अफ्रीका में हमें एक लीडिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट काफ़ी मात्रा में है। मैं आपको डिटेल में सैलरी और क्वान्टिटी के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं इसमें शेयर करूँगा। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिशियन की 12 लोगों की रिक्वायरमेंट है। सैलरी 600 USD होगी। सैलरी 600 USD 12 लोगों की रिक्वायरमेंट है। प्लम्बर 15 लोगों की रिक्वायरमेंट, सैलरी 650 USD होगी। वेल्डर 2G 3G 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी 700 USD होगी। वेल्डर GTAW SMAW की रिक्वायरमेंट है 17 लोगों की, सैलरी $900 होगी, $900। फिटर की रिक्वायरमेंट है 13 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी $645 होगी। फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है 20 लोगों की, सैलरी $690 होगी। शटरिंग कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी $680 होगी। स्टील फिक्सर की रिक्वायरमेंट है 40 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी $850 होगी। मेसन की रिक्वायरमेंट है 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी $690 होगी। वॉल पेंटर की रिक्वायरमेंट है 50 लोगों की, सैलरी $640 होगी। MEP हेल्पर, जनरल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है 60 लोगों की, सैलरी $520 होगी। इंस्ट्रूमेंट फिटर की रिक्वायरमेंट है 15 लोगों की, सैलरी $730 होगी। इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट है 810 लोगों की, सैलरी 14 लोगों की, सैलरी $810 होगी। सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की, सैलरी $900 होगी। रिगर की रिक्वायरमेंट है, रिगर की 12 लोगों की, सैलरी $700 होगी। सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी $800 होगी। ये टोटल रिक्वायरमेंट है, काफ़ी क्वांटिटी में है और ये साउथ अफ्रीका के लिए है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। ये CV सिलेक्शन, देन टेलीफोनिक इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू के थ्रू प्रोसेस होगा। कैसे प्रोसेस होगा और कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं सबसे पहले, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर कॉपी, रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में, अपने डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और जो अगर उनके अप्रिसिएशन लेटर्स हों या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट उनके प्रोफाइल पर वेटेज करते हो, उनका प्रोफाइल अच्छा बनता हो, जैसे सैलरी जस्टिफाई होती है, वो डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट आप हमारी ईमेल आई डी vimlesh.gautam@triplebovercs.com पर भेजेंगे। और इसमें आप सब्जेक्ट में जिस प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोफाइल का नाम जरूर लिखें। जैसे किसी को शटरिंग कारपेंटर में अप्लाई करना, तो एप्लीकेशन फॉर शटरिंग कारपेंटर -South Africa ऐसा ज़रूर लिखें। डॉक्यूमेंट सेंड करके आप हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करें कि हमने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। आपके डॉक्यूमेंट हम चेक करके, अगर वो शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको बता देंगे, और शॉर्टलिस्टेड होने के बाद हमारी टीम आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेगी। आप लोग हमें डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर नहीं भेजें, व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर डाल सकते हैं। अभी पिछले कई बार से ऐसा नोटिस किया गया कि कुछ लोग कॉन्टेक्ट करते हैं वो टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कॉल करो तो ऑफिशियल टाइमिंग में 10 बजे से 7 बजे के बीच में कॉल करेंगे, आपका कॉल हमेशा आंसर होगा। सपोज़ कीजिए बाई चांस कभी मैं किसी मीटिंग में बिजी रहा किसी इंटरव्यू में, तो आप मुझे एक बार रिंग कीजिए और उसके बाद में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको हमारी तरफ से कॉल बैक ज़रूर आ जाएगा। अगर कभी कोई इंटरव्यू चलता है तो इंटरव्यू के दौरान हम किसी भी कैंडिडेट को उस टाइम पे आंसर नहीं कर पाते हैं, तो कई बार कुछ लोग क्या होते हैं कि कॉल पर कॉल करते रहते हैं, वो प्रॉपर वे नहीं है। प्रोफेशनल वे में अगर फॉलो करेंगे तो आपको हमारे यहाँ से बराबर आंसर मिलेगा, ठीक है। और हर एक इंक्वायरी को हम प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेटिस्फाइड करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप हमसे बेहचक पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल जब करें तो कॉल का टाइमिंग ध्यान में रखें प्लीज़, मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 7 बजे के बीच में। और एक बार कॉल कीजिए या मैक्सिमम 2 बार, बाद में अगर आंसर ना हो तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। दोस्तों, इसमें टोटल जो टाइमिंग लगने वाला है वो टाइमिंग लगेगा 60 डेज के आसपास में लगेगा, 60 to 70 डेज के लगभग।
डॉक्यूमेंट भेजने के बाद में पहले सीवी शॉर्टलिस्टिंग होगा। सीवी शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में जो रिलेवेंट प्रोफाइल होंगी, टेक्निकल प्रोफाइल होंगी या जो स्किल प्रोफाइल होंगी, उनके लिए टेलीफोनिक और स्काइप इंटरव्यू होगा। स्काइप इंटरव्यू होने के बाद में ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर होने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी। उसके बाद में फिर वीज़ा आएगा। वीज़ा आने के बाद फिर आगे का प्रोसेस टिकट वगैरह आएगा। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में 60-70 डेज का समय लग जाएगा। ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है और साउथ अफ्रीका के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपना करियर साउथ अफ्रीका में बनाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें। आप अपने दोस्तों के डॉक्यूमेंट्स भी हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला जो बटन है वो ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।